हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राजा अली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से अल्लाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक नई वीडियो में सबको वेलकम करता हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भाई आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आपको मेरे चैनल पे पहले वीडियोस मिला करती थी न्यूज के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी बनाएंगे, क्योंकि हम मैं पुर्तगाल में हूँ तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो है बहुत एक अच्छा और बड़ा टॉपिक है, क्योंकि नए आने वाले लोग जो है वो न्यूज ज्यादा सुनते हैं कि पुर्तगाल में आजकल क्या चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं था कर रहा, वो वर्क का बहुत ज्यादा लोड था, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी आउटिंग पे निकला जाए, साथ एक व्लॉग भी जो है वो करूं उस पर, क्योंकि काफी टाइम हो गया कोई भी व्लॉगिंग वीडियो मैंने नहीं अपलोड की, तो दोस्तों के साथ आज मैं निकला हुआ था। तो आज हम जा रहे हैं कशकैश में। कशकैश एक ऐसी जगह है यहाँ पुर्तगाल में कि जो टूरिस्ट बहुत ज्यादा वहां पे जाते हैं, और आज वो हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी भी है, तो हमने सोचा कि वहां पे जाएं नहाना, तो हमने नहीं है, एज ए बीच देखेंगे जाके और थोड़ा एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्त आप देखते हैं मेरे साथ हैं, ये जमील भाई है हमारे, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, साथ यासर भाई हैं, हावर भाई हैं, और पीछे ये मेरे बैठे हुए हैं नदीम भाई। तो अभी हम जा रहे हैं कशकैश की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं वहां का क्या व्यू है, क्योंकि जो तो लोग इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो एज ए वीडियो हमारे साथ शामिल रहे हैं, तो वहां जाके इंशाल्लाह आपको जो है ना वहां का सीन दिखाते हैं। और कैश हम आ चुके हैं, काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं, और बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से, काम के लोड की वजह से मैं निकल नहीं सका बाहर वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो अभी निकला हूं, मैंने सोचा थोड़ी व्लॉगिंग करूंगा, थोड़ा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो भी देखें कि पुर्तगाल में जब गर्मी होती है तो लोग जहां बीचों पे निकलते हैं, ज्यादा टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा इस सीजन में आए हुए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला सीजन है जिसमें इतने ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। पिछले दो सालों में तो टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं आए कोरोना की वजह से। तो अभी हम जनाब कशकैश एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे टूरिस्ट और जो लोकल मकामी आगे पुर्तगीज हैं वो भी बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, तो चलते हैं फिर नीचे। अब हम जा रहे हैं, वो जो मेरे दोस्त है मेरे साथ वो थोड़ा सा आगे हैं, तो हम अभी जाते हैं नीचे, तो वहां जाके देखते हैं कि वहां पे क्या सीन है। वो ना काफी दिनों बाद बंदा बाहर निकले ना, काम 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 करते करते बंदा जब थक जाए ना, तो बंदे को ना तकरीबन दो वीक बाद लाजमी महीने में एक दो टूर होने चाहिए, ताकि थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाए। आप मेरे पीछे ये सारा सीन देख सकते हैं कि देखने में भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। लाजमी नहीं है कि आप बीच पे आके नहाएं, वैसे बंदे की आउटिंग हो जाती है, बंदा घूम फिर लेता, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो ये सीन है। तो यहाँ पे यूरोप में आप यही समझ लेंगे जो है वो आउटिंग इसी तरह होती है। अभी टाइम देख लें, अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो इस वक्त टाइम हो चुका है यहाँ पुर्तगाल में तकरीबन 6:30 हो गए शाम के, लेकिन यहाँ पे समर का जो टाइमिंग है मगरिब का वो तकरीबन जाके शाम होती है 9:30 बजे, तो अभी काफी ज्यादा सन है आप देख सकते हैं। तो चले बाकी मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड किधर गए हैं, तो जाके देखते हैं उनके साथ उनका क्या मूड है, नहाना है उन्होंने कि नहीं नहाना। हाँ जी जमील भाई, सुनाए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत जबरदस्त फील कर रहे हैं हम सब। कैसा वेदर, कैसा ये बताएं? ऐसा वेदर मैंने किसी यूरोप की कंट्री में नहीं देखा, पुर्तगाल के अलावा। क्या देखें वो देखें, लेकिन नहा क्यों नहीं रहे अभी बीच में आए? पानी बहुत ठंडा, पानी बहुत ठंडा, ठंड भी लगती है। ऐसे देखो गर्मी होती है लोग बीच पे आते हैं, फिर यहाँ पानी भी ठंडा है। नहाना ये गौरों की बात की है। अच्छा, हाँ पाकिस्तानियों के पास की बात नहीं। अच्छा अच्छा, हावर भाई से पूछते हैं। हावर भाई आपका क्या सीन है, आपको रिव्यू दें इस बारे में, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा तो आपने नहाना नहीं है? यासर भी साथ बैठा हुआ, कोई भी नहा नहीं रहा, बस तस्वीरें ले रहे हैं। मैंने खुद भी नहीं नहाना, बस यही है कि हमने कहा था कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, तो इस वजह से हम निकले हुए हैं बाहर। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कितना देर यहाँ पे रुकते हैं। फिर हम कशकैश की दूसरी साइड पे आए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चीज ऐसा है कि बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। एक व्यू मैं आपको करवाता हूँ, व्यू चेक करें आप, ये सारा व्यू है मेरे पीछे, ठीक है। वो जमील भाई देखें बैठे हुए हैं,
ठीक है। सूरज भी जो है ना सर पे अभी तक 7:30 हो गए ना, सूरज का आप अंदाजा लगा ले। तो बैक कैमरे से आपको मैं जो है व्यू करवाता हूँ, तो उसके बाद फिर आप चेक करेंगे यहाँ पे व्यू कैसे। अभी हम जो मौजूद हैं कश्केश का जो इनसाइड एरिया जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और बीच से जो वापिस आते हैं या बीच पे जाने से पहले और यहाँ आके अच्छे अच्छे खाने खाते हैं या रेस्ट करते हैं या कुछ लोग बियर वाइन पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो वो ये गली है, ये रू है, यहाँ पे स्ट्रीट को रू है यहाँ पे कहते हैं सॉरी। तो यहाँ पे आते हैं वो लोग, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना पीना करते हैं, तो फिर जो है वो इंजॉय करने नीचे चले जाते हैं, क्योंकि पिकनिक के साथ साथ खाना हो तो फिर जो है ना घूमने फिरने का मजा आता है। तो ये इन साइड कश्केश में आए हुए, अभी इस साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी मैं शेयर कर दूं। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा सा घूमने के बाद कुछ खाना पीना हो जाए तो एनर्जी फिर वापस आ जाती है, तो अभी हम मैकडोनल्ड गए थे, अभी कुछ खाया भी है हमने, तो अभी हम जा रहे हैं वापिस। तो ये थी आज की आउटिंग, आप देख लें थोड़ा सा अभी रोशनी भी कम हो गई है, सूरज भी नीचे हो गया है, तो अभी हम जाएंगे वापस। तो ये आज संडे था, तो संडे की आउटिंग हमारी यही थी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी तरह ही वीडियो बनाता रहूंगा, न्यूज के रिलेटेड भी होंगी और उसके अलावा व्लॉग्स भी बनाऊंगा ताकि माइंड फ्रेश रहता है इससे, और आप लोग भी जो है वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ पुर्तगाल की जो ब्यूटीफुल साइट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ मुझे नहीं जाते, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।